जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ पीएनएसटी का अलॉटमेंट लेटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अभी तक जो है आपका अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ है और किस दिन जारी होगा, इसके लिए जो है यह वीडियो आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। और देखिएगा, जो मैंने अभी जो है आपका डायरेक्ट रेट में कॉल किया था, आपका जो है इस DHS के ऑफिशियल, और मैंने मेल भी किया था इन्हें, और मेल का इन्होंने रिप्लाई तो अभी तक मुझे दिया नहीं है, और इसमें मैंने कॉलिंग दिया था, तो कॉलिंग का रिप्लाई तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या दिया है, क्या कहा है, कब तक अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। हमने इसे यह भी कहा ही नहीं कि कई बच्चों ने यह भी कहा है कि ट्यूसडे को हमें पता चला है कि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से हमें ट्यूसडे की जानकारी दिया है कि ट्यूसडे को अलॉटमेंट लेटर आएगा, बट इन्होंने क्या कहा कि अभी तक हम जो है आपको कोई भी अपडेट नहीं बता सकते। मैंने 181 CM हेल्पलाइन पर भी कॉल किया था, वहां पर भी जो मैंने पूछा कि आप लोग इसकी कंप्लेन लीजिए कि जो एग्जैक्ट डेट इन्होंने दिया था, हमने कहा था कि डीएमई के जो है इन्होंने जैसे एग्जैक्ट कहा था कि डीएमई में जैसे काउंसलिंग हुई थी, इन्होंने जो है एग्जैक्ट डेट दिया था, जैसे कि जिस डेट में इन्होंने कहा था अलॉटमेंट जारी होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, सब कुछ दिया था, बट जो है हमें जो है इसमें जब ये गवर्नमेंट की काउंसलिंग हो रही है इसमें ऐसा लेट लतीफ क्यों हो रहा है। तो गाइस, इन्होंने क्या कहा आप अब खुद ही सुन लीजिए, एक मिनट जो है आप, मैं जो है चुप रहूंगा, इनकी कॉलिंग है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को ध्यानपूर्वक इसे अब सुनना है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे PNST नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। बोलिए। मैम, उसका अलॉटमेंट लेटर 17 को आना था बट अभी तक आया नहीं, तो उसका इशू बता सकते क्या मैम? अभी डिपार्टमेंट की तरफ से इसे पेंडिंग पे है सर। पर मैम, कब तक क्लियर हो जाएगा, ऐसी कुछ जानकारी आपकी तरफ से मिल सकती है हमें? सर, अभी तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है डिपार्टमेंट से, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इस हफ्ते में आ जाएगा कि कब तक आ जाएगा आपका अलॉटमेंट मैम। और हमें तो पता चला था कि ट्यूसडे तक आने वाला है, यही से एमपी ऑनलाइन वाले बोल रहे थे, बोले कि ट्यूसडे तक आ जाएगा, ये सही है क्या फिर? हाँ, तो इस हफ्ते में आपका आ जाएगा। अब एग्जैक्टली डेट और टाइम मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन इस हफ्ते में आ जाएगा। अच्छा, इस हफ्ते में आ जाएगा सर। अच्छा, इस हफ्ते में जारी हो ही जाएगा ना मैम? हाँ। चल, कोई भी दिन हो सकता है बट एग्जैक्ट नहीं पता अपने को किस डेट में हो सकता है। जी मैम, जी धन्यवाद। तो गाइस, आपने सुन लिया होगा इन्होंने क्या कहा है, अभी आपको मैंने पूरे रिकॉर्डिंग सुनाया जो कॉलिंग पर हमने रिकॉर्ड किया था। तो गाइस, ये देखिए, इनके पास कोई भी अभी नहीं है, इन्होंने कहा है कि इस 7 दिनों के अंदर किसी भी दिन आ सकता है। तो अब गाइस, आप लोग परेशान मत होइएगा, निश्चिंत रहिए, जैसे ही किसी भी दिन अगर आता है अलॉटमेंट लेटर तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से ही। तो आप लोग को बेल आइकन को प्रेस करना जरूर है, और आप लोग जो है सभी विद्यार्थी एक एक स्टूडेंट को शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि कब तक अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। चलिए, धन्यवाद गाइस, मैं ऐसे ही जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आती है उसके बारे में आपको अपडेट मैं जरूर करवाऊंगा। चलिए, जय हिंद एंड नमस्ते।